सिस्टम में पुनः विश्वास जगाना है और शिक्षक की प्रतिष्ठा को पुनः साबित करना है। तो जैसे शीश राम शाक्य जी मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आप शीश राम जी की तरह सुबह 8 से लेकर शाम को 7 बजे तक दें या 7-8-9 घंटे 10 घंटे दें। मैं ये कहता हूँ कि जो 6 घंटे पर डे आप समझिए कि उन 6 घंटों में मैं केवल शिक्षक रहूंगा, उस समय मैं न पिता रहूंगा, न पुत्र रहूंगा, न पति रहूंगा, न कुछ और रहूंगा। वो 6 घंटे केवल मेरे शिक्षक के लिए होंगे। यदि वो निष्ठा होगी आपके अंदर, आपके कर्म के प्रति, आपके विद्यालय के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, और उन बच्चों को अपने परिवार की तरह, अपने बच्चों की तरह मानेंगे, तो रियल में बताता हूँ पूरे के पूरे विद्यालय का वातावरण, अभिभावकों की आपके प्रति दृष्टि और पूरे गांव की, गांव का आपके प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा। नहीं तो इस सिस्टम को खराब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और जो रोकेगा वो केवल शिक्षक हो सकता है और कोई नहीं। और ये है, इसी तरह से एक लेडी है यहाँ पे साधना, इसी तरह से जैसे रुचि वर्मा है, यदुराज पाल सिंह है, अर्पण शाक्य है, एक ये आपके सामने बैठे हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने केवल अपनी निष्ठा के बल पर पूरे के पूरे विद्यालय के अंदर परिवर्तन की बयार ला दी। और ये क्या कह रहे हैं कि इनके बच्चे SMS हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एयर ट्रैफिक के अंदर है, मुंबई के अंदर पोस्टेड। इसका मतलब आज भी वो इनसे जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हैं, क्योंकि वो इनके शिक्षत्व से प्रभावित थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और वो तब होगा जब हम हमारे 6 घंटे विद्यालय को पूरा का पूरा देंगे। और आप खुद सोचिए कि जब दीक्षा की ट्रेनिंग 0 कर रहे हो, 1 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो क्या हमने हमारे विद्यालय को जो वेतन हम लेते हैं, क्या उस वेतन के अनुरूप अपना अंश दिया? जब निजी विद्यालयों के अंदर 10,000 रुपए लेने वाला एक शिक्षक 8-8, 10-10 घंटे कोरोना के आपातकाल के समय या वर्तमान में पढ़ा रहा है, तो क्या जब शासन की ओर से हमें इतना पैसा मिल रहा है, किसी की 40,000 तनख्वाह, 50,000 है, 60 है, 70 है, यदि शिक्षा मित्र भी है तो भी उसकी 10,000, तो क्या हम उतना नहीं पढ़ा सकते जितना निजी विद्यालय का आदमी पढ़ा रहा है? ठीक है, समझाना ज्यादा पड़ेगा, इसीलिए तो तनख्वाह ज्यादा मिल रही है। क्यों सरकार 50,000-60,000 रुपए दे रही है? क्यों? क्योंकि उस अभिभावक को समझाना है जो बेचारा अशिक्षित है, अजागरूक है। और इनका उदाहरण सोच लीजिए, इन्होंने क्या किया कि शुरुआत में लोग गमले तोड़ जाते थे, समझाया तो 35 गमले बाहर पड़े रहते, कोई हाथ में नहीं लगाता, उल्टा इनको सपोर्ट और करते होंगे, मास्टर साहब आप बताइए आपको कोई जरूरत है तो हम आपको हेल्प करें, ऐसे भी करते होंगे ना? आपने कोई सब गमले मीर कमल हैं, एक बार दो बार लुढ़क भी जाता है टूटता नहीं। तो आपको देखो, अपने आप को स्थापित करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं को स्थापित नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जानेगा नहीं। और क्या फरुखाबाद नंबर 1 नहीं बन सकता? फरुखाबाद तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उसका इतना ऊंचा मुकाम है जितना किसी का नहीं। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम, महात्मा बुद्ध जी का यहाँ अवतरण हुआ, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी जैसी कवित्री हुई, और अभी जीवंत कवि आपके सामने डॉक्टर शिवम अंबर जी, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इतने जबरदस्त कवि। तो क्या हम इन आदर्शों का अनुकरण करके अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते? और शिक्षक तो स्वयं आदर्श होना चाहिए, शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसका अनुकरण करे। यदि हम विद्यालय में देरी से जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनके साथ जुड़ेंगे नहीं, उनके घर नहीं जाएंगे, डोर टू डोर नहीं जाएंगे, हमारी दीक्षा की ट्रेनिंग नहीं लेंगे, हमारे कायाकल्प के अभियान को ढंग से नहीं देखेंगे, हमारी डेली डायरी नहीं बनाएंगे, तो क्या वो लोग हमारी इज्जत करेंगे? वो कहेंगे यार ये देखो सरकारी मास्टर जा रहे हैं। और यदि आप करेंगे तो फिर देखो सरकारी टीचर ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है, वो सेवा के लिए ही काम करता है। तो दोनों चीजें आपके हाथ में हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। और मेरा एक ही आग्रह है जो भी हमारे शिक्षक भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, कि आप 6 घंटे नियमित रूप से, चाहे छुट्टी का दिन हो या स्कूल लगता हो, वो 6 घंटे यदि आप टीचिंग को देना शुरू कर देंगे, आप आदर्श शिक्षक कहलाएंगे और शिक्षक का सम्मान वापस दिला देंगे। और यदि उन 6 घंटों में तनिक भी आपने चोरी करने का प्रयास किया या तनिक कमी करने का प्रयास किया, तो याद रखिएगा वही जो सम्मान वापस क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है।